मेरी माँ से मैं बहुत नफरत करता था क्योंकि उनकी बस एक ही आंख थी और वो मुझे बहुत बुरी लगती थी। मेरे पिता नहीं थे, जब बहुत छोटा था तो चल बसे थे, हम अकेले थे। मेरी माँ हम दोनों के गुजारे के लिए बहुत मेहनत करती थी। वो हमारे स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जब मैं क्लास में अकेला बैठा था तो वो मेरे पास आई और माँ ने मुझसे पूछा, बेटा तुम अकेले क्यों बैठे हो? उनके ऐसा हमदर्दी दिखाने पर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो क्लास में मेरा मजाक बनाने के लिए क्यों आई थी, जबकि उन्हें पता था कि उनके कारण मेरे क्लासमेट्स मुझे चिढ़ाते थे। एक दोस्त ने तो सीधा मुझसे कहा भी, अरे तुम्हारी माँ की तो सिर्फ एक आंख है, वो तो कानी है। उस वक्त मुझे बहुत धक्का पहुंचा। माँ के चलते इतनी बेइज्जती जो सहना पड़ा था मुझे। मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि मेरी माँ कहीं गायब ही हो जाए। एक बार तो मैंने उनसे कहा भी कि अगर आप पूरे जगत के लिए मुझे बस एक हंसने लायक पात्र बनाना चाहती हैं तो आप मर ही जाओ, रोज रोज आपका मनहूस चेहरा देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ ने कुछ भी नहीं कहा और मैंने भी उस बारे में नहीं सोचा। मैं उस समय गुस्से से भरा हुआ था। मैं बस उनसे कैसा भी करके अलग होना चाहता था। किसी भी हालत में उनसे दूर जाना ही मेरा मकसद था। बस उनसे अलग रहूं, हमेशा यही सोचता था। इसलिए मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। मैंने माँ से कहा कि मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहता और मैं जा रहा हूँ। कुछ सालों बाद मैंने शादी कर ली, लेकिन मैंने माँ को नहीं बताया और न ही उन्हें बुलाया। मेरे बच्चे हुए, मैंने अपना खुद का एक घर खरीदा, मेरी जिंदगी अच्छी हो चली थी। लेकिन एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई। मेरे बच्चे उन्हें देखकर डर गए और फिर थोड़ी देर बाद बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगे। मुझे उनका चेहरा देखकर कोई खुशी नहीं हुई, यहां तक कि मैंने तो उन्हें घर के अंदर भी नहीं बुलाया और उन्हें खरी खोटी सुनाकर बाहर से ही भगा दिया। उस वक्त मेरी माँ ने धीरे से कहा, माफ कीजिए, शायद गलत घर में आ गई हूं। उसने ऐसा कहा और चली गई। एक दिन मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी मुझे एक पत्र मिला। उसमें मेरे स्कूल का रियूनियन होने वाला था। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो बहुत दिन बाद अपने शहर जाकर दोस्तों से मिलूंगा। रियूनियन के बाद मैं उस पुराने घर में गया जहां मेरा बचपन बीता था। ऐसे ही पता नहीं क्यों बस चला गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी माँ कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से चल बसी है, मर गई है। मुझे तो बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ और न ही मेरे आंखों से आंसू निकले। घर के पड़ोसी ने मुझे एक पत्र दिया जो मेरी मां मुझे देना चाहती थी पर दे नहीं पाई। मेरे प्यारे बेटे, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूं, तुम्हारी बहुत याद आती है। बेटा मुझसे समय निकलकर एक बार मिलने आओ ना। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बच्चों को डरा दिया और तुम्हें परेशान किया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। बेटा मुझे पता लगा है कि तुम यहां आने वाले हो, पर मेरी हालत ऐसी है कि मैं बिस्तर से अभी उठ भी नहीं सकती हूं, बहुत बीमार रहती हूं। मैं माफी चाहती हूं कि बचपन से आज तक तुम्हारे लिए सिर्फ परेशानी बनी रही। मेरे कारण तुम्हारा बहुत मजाक बना बेटा, तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पापा और मैं मेला देखने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और उस दुर्घटना में तुम्हारे पिता की मौत हो गई और तुम्हारी एक आंख चली गई। मैं एक मां हूं बेटा, अपने बच्चे को एक आंख के साथ बड़े होते हुए कैसे देखती भला। इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी और मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा कि आज तुम पूरी दुनिया को मेरी आंखों से देख रहे हो, या यूं कहूं कि मेरे लिए इस पूरे जहां को देख रहे हो। इतने दिनों तक तुम्हारा दिल दुखाया, इसके लिए माफी चाहती हूं। समय निकालकर मिलने आना बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। बहुत बहुत प्यार, तुम्हारी माँ। दोस्तों, माँ का प्यार, माँ की दुलार, माँ की ममता इस दुनिया में भगवान की सबसे बड़ी देन है। उसके आशीर्वाद भरे हाथ से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में हम जिस भी मुकाम पर पहुंचेंगे उसमें सबसे बड़ा योगदान मां की दुआओं का होगा। जब हमें कोई चोट लगती है तो जुबान पर सबसे पहला नाम मां का ही आता है, लेकिन हम उसे चोट पहुंचाने से कभी नहीं चुकते। मित्रों,
याद रखें कि माँ के दिल को दुखाना, उसे चोट पहुंचना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यह कोई उपदेश नहीं बल्कि सीधी और खरी बात है।